अगर बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हो तो आप सभी ने सीक्रेट बुक के बारे में जरूर पढ़ा और सुना होगा, और कई लोग तो उसमें बताए गए प्रोसेस को फॉलो भी करते हैं। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि काफी लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। तो ऐसी क्या गलतियां हम करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं करता? तो आज के इस वीडियो में हम उन लूप होल्स, उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं करता। अगर आप भी अपनी लाइफ को बदलने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस सिद्धांत पर काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि यूनिवर्स एनर्जी बेस्ड है। जैसी एनर्जी आप यूनिवर्स को भेजेंगे, सेम वैसी ही एनर्जी यूनिवर्स आपको वापस भेजेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या कि नेगेटिव। यूनिवर्स हमेशा ही आपके शब्दों को पकड़ता है। आपके इरादे क्या हैं, उससे यूनिवर्स को कोई मतलब नहीं होता। इसलिए जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप यूनिवर्स से कुछ भी मांगो, अपने शब्दों का, अपने वर्ड्स का बेहद ध्यान रखें। हमारा शरीर हमारे माइंड और बॉडी से मिलकर बना है, और हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाला हमारा माइंड है। हमारे माइंड के दो पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। बचपन से ही हम जो कुछ भी देखते, सुनते और सीखते हैं, वो सभी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाते हैं, और इसी वजह से हमारे अंदर बचपन से ही कुछ बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं, और ये बिलीफ सिस्टम पूरी लाइफ हमारे थॉट्स को अफेक्ट करते हैं। हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सीखा है कि हमें हमेशा पॉजिटिव चीजों और विचारों को ही अट्रैक्ट करना है। लेकिन अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बसा हुआ आपका बिलीफ सिस्टम ही नेगेटिव है, तो आपके लिए पॉजिटिव थॉट्स जनरेट करना उतना ही मुश्किल होने वाला है। इसीलिए अगर हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस में बनी अपनी नेगेटिव सोच को बदलना होगा। तो सबसे पहला कदम यहाँ से, जहाँ से आपको शुरुआत करनी है, वो है चेंज योर बिलीव्स। जब भी आप कोई पॉजिटिव बुक पढ़ते हैं, कोई पॉजिटिव वीडियो देखते हैं या कोई पॉजिटिव सेमिनार अटेंड करते हैं, तो डायरेक्टली वो आपके विचारों को इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन जब आप उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतारने की कोशिश करते हैं, तो आपका बचपन से बना हुआ बिलीफ सिस्टम उसे सपोर्ट नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप कोई मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड करते हैं जो आपको तो बहुत अच्छी लगती है, पर आपके दोस्त को बिल्कुल बेकार और वेस्ट ऑफ मनी लगती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि हमारे जो भी बिलीफ होते हैं, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग चीजों को देखते, सुनते और समझते हैं। अगर बचपन से ही हमें नेगेटिव सोचने की आदत है, तो आप कोई भी पॉजिटिव बुक पढ़ लो, सेमिनार अटेंड कर लो, आप ना तो पॉजिटिव सोच पाओगे और ना ही पॉजिटिव बन पाओगे। इसलिए सबसे पहले आपको अपने बिलीफ सिस्टम को बदलना होगा, अपने पुराने पैटर्न को तोड़ना होगा, और खुद को डेवलप करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए तैयार करना होगा। तभी जाकर आपका पुराना बिलीफ सिस्टम बदलेगा और आप कुछ नया कर पाएंगे। नहीं तो कोई भी बुक या कोई भी वीडियो आपको कुछ भी नहीं सिखा पाएगा। हमारा अगला स्टेप है कनेक्ट विथ कंटिन्यूअस पॉजिटिविटी। जब भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखते या समझते हैं, तो उनको ये लगता है कि उनको जो भी कुछ चाहिए, अगर उसके बारे में वो दिन में एक या दो बार सोच लेंगे, तो वो चीज उन्हें मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो भी आपको चाहिए, आपने उसके बारे में एक घंटा सोचा, लेकिन बाकी के 23 घंटे आपने क्या सोचा? और अनफॉर्चुनेटली बाकी के 23 घंटे आप वो सोचते हैं जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम आप नेगेटिव सोचते हैं, और अंत में आपको वही नेगेटिव मिलता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी इसी सोच पर काम करता है, बस वो आपके फेवर में काम नहीं कर रहा है। इसीलिए अपनी सोच को लगातार पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम करेगा। हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है एक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बुक्स और वीडियोस देखकर लोगों को लगता है कि अब बस हमें आराम से बैठकर पॉजिटिव रहकर सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचना है जो हमें चाहिए, और सब कुछ अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब तक आप डिजायर्ड एक्शन नहीं लेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को क्रिएट करेगा, आपको ऐसे अवसर देगा, ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो आपको आपके गोल तक ले जाने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन एक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपको एक मर्सिडीज कार चाहिए, तो सिर्फ घर में बैठकर उसके बारे में सोचते रहने से क्या वो आपको मिल जाएगी? नहीं।
इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्शन लेना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि सिर्फ गोल्स के बारे में सोचते रहने से आप उसको अचीव कर सकते हैं। याद रखिए, इस दुनिया में आज जो लोग भी टॉप पर हैं, उन्होंने बिलीव के साथ, पॉजिटिविटी के साथ डेडिकेटेड होकर एक्शन परफॉर्म किया है, क्योंकि सक्सेस कभी भी थाली में सजाकर नहीं मिलती। और जब आप इन तीन स्टेप्स को पॉजिटिव होकर डेडिकेशन के साथ फॉलो करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए 100% वर्क करेगा। नंबर वन, आपको सबसे पहले अपना पुराना नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बदलना है। पॉइंट नंबर टू, आपको हमेशा खुद को पॉजिटिव रखना है। चाहे कितनी भी हार मिले या कितना भी रिजेक्शन आए, आपको गिव अप नहीं करना है। आपको अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है। और थर्ड और फाइनल स्टेप जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वो है डेडिकेटेड एक्शन। और अगर आप ये 3-स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपके सपनों को सच होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।